सांसद वरुण गांधी ने देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का उनकी जन्मतिथि पर भावपूर्ण स्मरण किया। सांसद ने सुबह एक्स पर लिखा कि राष्ट्रीय आंदोलन की परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के संगम से एक सर्वसमावेशी समाज का संदेश देने वाले नेहरू जी सही मायने में राष्ट्र नायक हैं। सांसद ने आगे लिखा कि आधुनिक भारत की सामाजिक या आर्थिक नींव रखने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर सादर नमन। इसी के साथ ही सांसद ने नेहरू जी की एक तस्वीर भी पोस्ट की। आपको बता दें, यहाँ पर अब जवाहरलाल नेहरू के बारे में पोस्ट करते ही अब लगातार यहाँ पर बातें चल रही हैं कि यहाँ पर क्या अब वरुण गांधी के सुर बदलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और लगातार वो देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अपने कई सारे बयान देते हुए नजर आए हैं और अपनी ही पार्टी भाजपा को वो घेरते हुए नजर आए हैं। और यहाँ पर अब देखा जाए तो चुनावी माहौल पूरी तरीके से बन चुका है। 5 राज्यों में चुनाव है, उसके बाद 2024 के चुनाव है, जहाँ पर वरुण गांधी को भी शायद यहाँ पर टिकट दोबारा दिया जाएगा कि नहीं, इसके ऊपर भी चर्चा अब क्या शुरू होने लगी है। और लगातार जिस तरीके से अब उनके सुर बदल रहे हैं, तो क्या वो उनके लिए यहाँ पर बड़ी मुश्किल खड़ी करते हुए नजर आ सकते हैं। लगातार ये अटकलें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने जब जवाहरलाल नेहरू को लेकर पोस्ट किया तो तब से ही राजनीति यहाँ पर गर्मा गई। सभी लोग इसके अलग अलग मतलब यहाँ पर निकालने लगे। इससे पहले राहुल गांधी जब केदारनाथ गए थे, उसी समय हमने देखा कि वरुण गांधी भी केदारनाथ जाकर दर्शन करने आए थे। उस समय भी राजनीतिक अटकलें काफी तेज हो गई थी।